Behind closed doors, I'm a fool for your love. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। मैं निकेत दसवानी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी एक न्यू वीडियो पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर्स ऑफ इंडिया फॉर 2023। ऑलरेडी अपन डिस्काउंट ब्रोकर्स के ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं, टॉप 10 बेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर्स फॉर 2023, आप वो भी जाके देख सकते हैं। एंड ये वीडियो है सिर्फ फुल सर्विस ब्रोकर्स के लिए, इसमें से फुल सर्विस का लिस्ट इंक्लूडेड है, नथिंग अबाउट डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। एज यू कैन सी, ये bazaarbadshah.com आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। यू कैन टाइप bazaarbadshah.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप इधर आके बहुत सारी नॉलेज एंड आर्टिकल्स एंड काफ़ी स्ट्रेटेजीज देखिए, आप देख सकते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, ब्रोकर्स, मार्केट न्यूज एंड अपडेट्स, IPOs, सबके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए ये आर्टिकल पढ़ते हैं अपन। हमारा ये आर्टिकल है, हमने खुद से लिखा है, ये टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर्स ऑफ इंडिया। शेर खान 2023 में शेर खान इज फुल सर्विस ब्रोकर में सबसे बेस्ट लगता है मुझे, ये मेरी राय है, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि शेर खान का काफ़ी इंटरफेस बढ़िया है एंड ट्रेड टाइगर के साथ आता है शेर खान। ट्रेड टाइगर इज अ सॉफ्टवेयर ऑफ शेर खान जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया हाईटेक सॉफ्टवेयर है वो। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच लाइक प्रेफरेबल कि आप शेर खान को ज्वाइन करें इफ़ यू आर गोइंग फॉर फुल सर्विस ब्रोकर्स। एंड एज यू कैन सी, मैंने थोड़ी डिटेल्स भी लिख रखी है, उनके जो प्लस पॉइंट्स है एंड साथ ही साथ ब्रोकरेज 0.1% से 0.05% ऑन डिलीवरी, 0.01% से 0.05% ऑन टर्नओवर ऑन इंट्राडे, फ्यूचर्स में भी सेम। एंड ऑप्शंस में 20 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक पर लॉट, डिपेंडिंग ऑन कौन सी ब्रांच पे आप ज्वाइन करते हैं। कुछ ब्रांचेस होती है जो 20 रुपीज़ लेती है पर लॉट का, कुछ ब्रांचेस होती है जो 250 रुपीज़ तक भी लेती है पर लॉट का, बट अब वो जनरली 250 रुपीज़ वाला फंडा जा चुका है, मोस्टली 30-40-50 रेंज वाला चल रहा है। बट हमारी ब्रांच में लाइक आप पीछे देख सकते हैं, हमारी भी शेरखान की ब्रांच है, तो हमारी ब्रांच में हम खुद 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं ऑप्शंस में। एंड जो भी डेली 7-8 लॉट्स के ऊपर जाता है टर्नओवर में तो उसको हम 15 रुपीज़ करके दे देते हैं ऑप्शंस में ब्रोकरेज। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है, हम आपको और एडवाइजरी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, तो आप बने रहिएगा कि शेर खान में जुड़ने का आपका मेरे साथ जुड़ने का क्या फायदा है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। 15 लाख के आसपास कस्टमर बेस है एंड एडवाइजरी की रेटिंग 5 स्टार है, एस्टैब्लिशमेंट 2000 को हुआ था एंड रिव्यूज ग्रेट है। सेकंड नंबर पे ICICI डायरेक्ट है बिकॉज ICICI बैंक का सब कंपनी है, इसका फादर कंपनी है ICICI बैंक, सो ऑफकोर्स इतना बड़ा अगर कंपनी है तो रिलायबिलिटी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी। एंड एज यू कैन सी, मैंने उनका प्लस पॉइंट भी लिख रखा है। एंड डिलीवरी चार्जेस, इंट्राडे चार्जेस है, ऑप्शंस में थोड़ा इनका ज्यादा लगता है, 95 रुपीज़ पर लॉट, इनकी वेबसाइट से मैंने ये डेटा फेच किया है। एंड 50 रुपीज़ पर लॉट अगर आप सेम डे स्क्वायर ऑफ कर लेते हो तो सेकेंड साइड जब बेचोगे तो 50 रुपीज़ कटेंगे एंड लेते टाइम तो 95 ही कटेंगे, ऐसा इनकी वेबसाइट का कहना है, ठीक है। 25 से 30 लाख के आसपास कस्टमर्स है, 3 स्टार रेटिंग है एडवाइजरी की एंड 1994 अप्रॉक्स एस्टेब्लिशमेंट एंड रिव्यूज गुड। थर्ड नंबर पे आता है एंजल ब्रोकिंग या फिर एंजल वन कह सकते हैं, जो कि अभी एंजल ब्रोकिंग था अब एंजल वन हो चुका है। एंजल ब्रोकिंग का दोनों में हाथ है, डिस्काउंट ब्रोकिंग में भी और फुल सर्विस ब्रोकिंग में भी, तो ये मैं सिर्फ फुल सर्विस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्काउंट ब्रोकिंग में भी मैं मेंशन कर चुका हूँ एंजल ब्रोकिंग के बारे में, तो आप उधर जाके देख सकेंगे। तो इधर भी मैंने कुछ प्लस पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई बढ़िया है वगैरह, इंटरफेस डेफिनेटली अच्छा है एंजल ब्रोकिंग का एंड डिलीवरी का, ब्रोकरेज और ये सब भी मैंने लिख रखा है। इनका भी ओवरऑल ब्रोकरेज काइंड ऑफ शेर खान जैसा ही है बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा है शेर खान से, इनका शेर खान से थोड़ा ज्यादा ब्रोकरेज है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है डिपेंडिंग ऑन आप किस ब्रांच में जुड़ते हैं जैसे मैंने आपको बोला। एंड ओवरऑल 70 लाख के आसपास कस्टमर्स है एंड 4 स्टार्स है, 1996 में एस्टेब्लिशमेंट है एंड रिव्यूज गुड है। फोर्थ नंबर पे आता है HDFC सिक्योरिटीज। अभी HDFC सिक्योरिटीज आप जैसे आप जान सकते हो HDFC बैंक उसका सब कंपनी है HDFC सिक्योरिटीज, सो ऑफकोर्स आपको डेफिनेटली वो मिलना ही है, क्या बोलते हैं रिलायबिलिटी तो आपको मिलना ही है क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांच है। 7-10 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 3 स्टार रेटिंग है एडवाइजरी की, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुआ था और रिव्यूज गुड है। अब ब्रोकरेज चार्जेस में कैसा है, इनका एक पूरा 8 प्लान्स है पूरे, क्या पर मंथ इतना प्रीपे कर लेते हो तो आपको फिर इतना कटेगा, इतना प्रेड करते हो तो आपको इतना कटेगा, इतना पे कर देते हो एडवांस पेमेंट तो आपको इतना ब्रोकरेज कटेगा, जितना ज्यादा आप वन टाइम पेमेंट कर दोगे उतना कम ब्रोकरेज आपको चार्ज होगा, ऐसा है उसका मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। अब वेबसाइट पे जाके हियर पे क्लिक करेंगे तो आपको उधर पेज खुल जाएगा जिस तरह से आप इनका ये देख सकते हैं ब्रोकरेज स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग टाइप के प्लान्स है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे आता है मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल एक सिर्फ
ब्रोकिंग कंपनी पे फोकस करने वाली कंपनी है, जैसे कि शेर खान भी एक ब्रोकिंग कंपनी, ब्रोकिंग बिजनेस पे ही फोकस करने वाली कंपनी है, उसी तरह मोतीलाल ओसवाल भी सिर्फ ब्रोकिंग बिजनेस पे फोकस करने वाली कंपनी है। इनके ब्रोकरेज चार्जेस कंपेरेटिवली हायर होते हैं, जहां तक मैंने रिसर्च किया है इनके ब्रांचेज फ्रेंचाइजीज एंड हर जगह पे ब्रोकरेज चार्जेस इनके मोस्टली हाई रहते हैं, और ये लोग काइंड ऑफ, मेरा मानना है काइंड ऑफ पुराने टर्म्स पे ट्रेड करते हैं जो कि हाई ब्रोकरेज एंड ऑल सब। तो ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसे कुछ कह नहीं सकते खास। ऑप्शंस में जैसे आप देख सकते हैं 35 रुपीज़ से 250 रुपीज़, इनका ऑप्शंस ब्रोकरेज कंपेरेटिवली मुझे ज़्यादातर हाई लगता है हमेशा, बट कोई बात नहीं, सही है। अराउंड 10 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 3-स्टार रेटिंग है, 1987 में एस्टेब्लिशमेंट है एंड रिव्यूज फाइन है, ठीक है। एंड इनका प्लस पॉइंट भी मैंने लिख रखा है, गुड नेम है सबका इंडस्ट्री में, जो टॉप 10 है उनका ओवरऑल ऑफकोर्स गुड नेम ही होगा इंडस्ट्री में, तभी ये टॉप 10 में आए हैं। 6 नंबर पे है एक्सिस डायरेक्ट, एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस बैंक की सब कंपनी, यानी एक्सिस डायरेक्ट की फादर कंपनी है एक्सिस बैंक, ऑफकोर्स आपको ट्रस्टवर्दी कंपनी मिलेगी ट्रेड करने के लिए, बट कंपेरेटिवली देखो बैंकिंग वाले जो आप पकड़ोगे ना ब्रोकिंग में, जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज हो गया, कोटक सिक्योरिटीज हो गया, एक्सिस डायरेक्ट हो गया, SBI का भी डायरेक्ट है, तो उसमें आपको ब्रोकरेज चार्जेस डेफिनेटली ज़्यादा देने पड़ेंगे, बिकॉज क्या होता है कि उनका एक पूरा लाइक प्रोफेशनल काम होता है, लाइक ऐसा नहीं है कि ब्रोकिंग दूसरों का नहीं होता, प्रोफेशनल इन द सेंस कि इनका बैंकिंग लेवल का काम होता है, सो उस वे में ये लोग हमेशा ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, बिकॉज बैंकिंग कैटेगरी का पूरा है ये। सो एज यू कैन सी, कहाँ पे मैंने आपको शेर खान का बताया था 0.1% मिनिमम हो सकता है, और इधर 0.5%, ये भी इनकी मैंने वेबसाइट से फैच किया है डेटा, एंड 50 से 250 रुपीज़ पर लॉट होता है इनका ऑप्शन में ब्रोकरेज। 3-5 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 3-स्टार एडवाइजरी का रेटिंग है, 2005 का एस्टेब्लिशमेंट है और रिव्यूज फाइन है। 7th नंबर पे आते हैं रैलीगेयर। रैलीगेयर आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, बट रैलीगेयर गुजरात में काफ़ी फेमस है, एंड मेरे हिसाब से रैलीगेयर एक अच्छा कंपनी है, एंड काइंड ऑफ इसको मैं कहूँ तो मोतीलाल ओसवाल से थोड़ा नीचे है, बट मेरे रिव्यू के हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से, बट ओवरऑल ब्रोकरेज स्ट्रक्चर इनका ओके है, इतना ज़्यादा हाई नहीं है। मोतीलाल के कंपेरिजन में इनका लोअर ब्रोकरेज साइड है, बट सबसे लोएस्ट शेर खान का ब्रोकरेज है, आप देख सकते हैं ब्रोकरेज स्ट्रक्चर मैंने मेंशन कर रखा है, एंड 8 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 3-स्टार रेटिंग है, 1982 में एस्टेब्लिशमेंट है, उस लिए ये थोड़ा अच्छा है कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1982 का एस्टेब्लिशमेंट है एंड रिव्यूज फाइन है। 8th नंबर पे आता है आनंद राठी। आनंद राठी भी एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, एंड गुजरात में अगर आप रहते हैं, ऐसे जनरली भी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर गुजरात में आप रहते हैं तो आनंद राठी का आपने नाम प्रॉबेबली सुना होगा, तो आनंद राठी भी एक अच्छी कंपनी है, और डिलीवरी में आप देख सकते हैं इधर ब्रोकरेज स्ट्रक्चर एंड ऑप्शंस में भी, तो इनका भी काइंड ऑफ मोतीलाल ओसवाल से तो कम ही है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको फोकस करना है ब्रोकरेज तो फोकस करना ही है कि ब्रोकरेज कम हो, साथ ही साथ आपको एडवाइजरी एंड रिसर्च एंड सर्विसेज के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। 4 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 3-स्टार एडवाइजरी रेटिंग है, 1994 में एस्टेब्लिशमेंट है एंड रिव्यूज ओके है, काइंड ऑफ ओके है, बिकॉज इतना ज़्यादा जाना माना कंपनी नहीं है ये मेरे हिसाब से, ठीक है, ये मेरे ओपिनियंस दे रहा हूँ मैं आपको, आप फिर ऐसे मत बोलना कि मैं जज कर रहा हूँ या बाहर का कुछ आपको बता रहा हूँ, नथिंग, ये सिर्फ हमारा ओपिनियन है आपके सामने। SBI सिक्योरिटीज 9th नंबर पे, अब 9th नंबर पे ये इसलिए बिकॉज ऐसे मैंने आपको बोला कि ये बैंकिंग का सब कंपनीज है, तो बैंकिंग की सब कंपनीज को मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता हूँ, बट फुल सर्विस में अगर आप रिलायबिलिटी एंड सेफ्टी एंड ट्रस्टवर्दीनेस के लिए जाना चाहते हो तो फिर बैंकिंग के जो ब्रोकर्स होते हैं यानी जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज एंड ऑल, वो सब बेस्ट मतलब बेटर ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। तो इनका जनरली जैसे मैंने आपको बोला ब्रोकरेज चार्ज हमेशा हाई रहेगा, देख सकते हैं आप हाई ब्रोकरेज चार्ज है, ऑप्शंस में इवन ये लोग 100 रुपीज़ पर लॉट लेते हैं, लाइक सो सकते हो कम ज़्यादा कर सकते हैं बट कितना ही कर लेंगे यार कम ज़्यादा। 30 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 3-स्टार रेटिंग है, 2006 का एस्टेब्लिशमेंट है एंड ओके रिव्यूज़ है। 10th नंबर पे है चॉइस ब्रोकिंग। चॉइस ब्रोकिंग अभी अभी थोड़ा थोड़ा लाइक कोविड के टाइम पे उभरता हुआ मुझे लगा चॉइस ब्रोकिंग, एंड सही है फुल सर्विस के हिसाब से सही है, ब्रोकरेज चार्जेस इनका लो है पर इतना भी लो नहीं है, काइंड ऑफ एंजल ब्रोकिंग और मोतीलाल ओसवाल के आसपास का है। 25 रुपीज़ पर लॉट इनका ब्रोकरेज चार्ज है, इनका वेबसाइट पर ऐसा कहना है। 2-3 लाख के आसपास कस्टमर बेस है, 3-स्टार रेटिंग है, 2010 का एस्टेब्लिशमेंट है एंड रिव्यूज ओके है। तो ये तो हो गई टॉप 10 लिस्ट, आप हमारी वेबसाइट पे आके दूसरे आर्टिकल्स एंड ऑल भी पढ़ सकते हैं, स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी IPOs एंड ऑल bazaarbadshah.com एज यू कैन सी। तो मेन बात करते हैं जो मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि अगर आप शेर खान में अकाउंट ओपन करते हो ये लिंक से, या तो फिर YouTube पे आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हो शेर खान में
तो वो हमारे अंडर में अकाउंट खुलेगा, हमारी जो ब्रांच है उधर अकाउंट खुलेगा। बेनिफिट क्या है, ये आप जो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर देख रहे हो उसमें से जो प्रोबेबली जो लोएस्ट साइड है आपको उधर का ही ब्रोकरेज स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको देखना हो तो ये रहा, आप इधर आ जाइए, या तो मैं आपको आई बटन पे अभी आपको ना वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं कि आपका ब्रोकरेज स्ट्रक्चर क्या रहेगा अगर आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करते हो शेयर खान में, तो आई वीडियो पे जाके जरूर देख लेगा। तो बेनिफिट क्या क्या है, ब्रोकरेज स्ट्रक्चर तो आपको लो हो गया, कम आपको ब्रोकरेज स्ट्रक्चर मिल गया, एकदम डिस्काउंट बुकिंग के बराबर आपको ब्रोकरेज स्ट्रक्चर मिल गया। दूसरा बेनिफिट ये है कि हम आपको एडवाइजरी प्रोवाइड तो करेंगे, साथ ही साथ आपको टेक्निकल सपोर्ट भी काफी अच्छा मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है एंड टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को तो अपन इतना ज्यादा फोकस नहीं देते, लाइक किस कोई भी ज्वाइन कर सकता है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका शेयर खान में अकाउंट नहीं भी है, बिकॉज उधर मैं ज्यादातर हफ्ते में एक या दो दिन ट्रेड्स वगैरह डालता हूँ, डेली नहीं डालता। तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। बट शेयर खान में अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारे साथ, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिधर 150 प्लस मेंबर्स है, और ये 150 प्लस का अकाउंट हमारे अंडर ही है शेयर खान में। तो इनको क्या मिलता है कि डेली में न्यूज अपडेट्स एंड जो भी आईपीओज वगैरह का कुछ भी होता है, सबसे पहले प्रायोरिटी लेवल पे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाता हूँ। न्यूज हो गया, अपडेट्स हो गया आईपीओज के बारे में, या कुछ भी इनसाइडर काइंड ऑफ न्यूज, वो भी सब आपको उधर मिल जाती है। नॉट ओनली दैट, जो मेन चीज है जो कि है एजुकेशनल कॉल्स, ठीक है, एजुकेशनल कॉल्स यानी कि टिप्स, एजुकेशनल टिप्स, वो मैं 2 से 3 एजुकेशनल टिप्स डेली व्हाट्सएप ग्रुप में डालता हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं जो आपको अभी आ रहा होगा डिस्प्ले पे। तो ऐसे टाइप के कॉल्स आपको फ्री में मिलते रहेंगे, एजुकेशनल पर्पज वाले, ऑप्शंस में भी होंगे, इंट्राडे में भी होंगे, सब कंबाइन होते हैं। तो वो सबसे आपकी लर्निंग एंड अर्निंग दोनों बढ़ सकती है। एंड इसके कोई चार्ज नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आपका अकाउंट होना चाहिए हमारे अंडर शेयर खान में। एंड अब आप सोचोगे कि भाई आपका ऑलरेडी शेयर खान में अगर अकाउंट है तो मैं क्या करूँ, दो ऑप्शन है इसमें भी। आप या तो आपका अकाउंट शिफ्ट करवा सकते हो हमारी ब्रांच में, शिफ्टिंग फ्री है, कोई चार्ज नहीं है शिफ्टिंग का, एंड डिजिटल प्रोसेस है, कुछ पेपर वर्क भी जरूरत नहीं है आपको शिफ्टिंग करवाने के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आपके किसी और फैमिली मेंबर के नाम से हमारे अंडर शेयर खान में फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग का तो कोई चार्ज नहीं है, शिफ्टिंग का भी कोई चार्ज नहीं है, ओपनिंग का भी कोई चार्ज नहीं है। तो जो आपकी इच्छा हो वो करवाना, आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। शिफ्टिंग करवाना हो तो वो नंबर पे आप शिफ्टिंग लिख के मैसेज करिएगा, हम आपको पूरा बता देंगे कि अभी प्रोसेस क्या है। छोटा सा प्रोसेस है, एक आध दिन का प्रोसेस है, आपको तो कुछ भी नहीं करना है, आपको तो खाली कुछ डिटेल देना है और बाकी हम कर लेंगे। एंड अगर आपको लिंक चाहिए अकाउंट ओपनिंग की तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकाउंट अगर फ्री अकाउंट ओपन करना है न्यूज से शेर खान में तो डिस्क्रिप्शन में तो लिंक मिल ही जाएगी। और अगर आप आर्टिकल पे जाके पढ़ते हो तो इस शेर खान के नीचे आपको यहाँ पे ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट इन शेर खान, इसकी भी लिंक मिल जाएगी। एंड आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, फ्री अकाउंट ओपनिंग के कोई चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ से आप करेंगे तो हमारे अंडर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, समझ गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपके जो फ्रेंड्स ब्रोकर ढूंढना चाहते हैं कि किस ब्रोकर को ज्वाइन करना चाहिए।